الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القاهرون ولا يحسن عمل حاتون ولا يؤدي حق المجتهدون الذي ليس لصفته الحق المحدود ولا رعد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق على قدرته ونشر الرياح برحمته وودنا للسقوط ميدان عرضه والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين ومحبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون और उसकी ज़ात यक़ा हो जगाना है वो हाकिम है और वो गालिब है वो हकीम व अलीम व खबीर है वो रब्बुल आलमीन और अरहमुर राहिमीन है वही सारी कायनात का मालिक और सारी कायनात का खालिक है ये हवा ये फिजा ये चरिंद ये परिंद ये कवाकिब ये सैारे ये सितारे ये चाँद ये सूरज और ये जिन और इंस ये लैल व नहार ये दरिया ये समंदर और ये हवा ये फिजा जन्नत जहन्नम मलक बयान फरिश्ते इन सब का परवरदिगार आलम ही खालिक है वो हम सब का मालिक है और हम उसकी मखलूक हैं वो सब का खालिक है और हम सब उसकी मखलूक हैं वही खुदा तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है ऐ ईमान लाने वालों रोजे आपके ऊपर लिख दिए गए फर्ज कर दिए गए वाजिब कर दिए गए जैसा कि पहले वाली उम्मतों पर क्यों लअल्लकुम तत्तकून ताकि आप साहिब तक्वा हो जाओ यानी इस महीने के जो ये बाबरकत और पुर्रहमत महीना कि जिसके लम्हे और जिसकी सहादें और जिसका पल पल अफजल तर है इस महीने में खल्ला के आलम ने चारों कुतुब को नाजिल फरमाया और इस महीने में खुदा के आलम रोज़ेदारों के लिए खुसूसन वो मेज़बान होता है और रोज़ेदार उसका मेहमान होता है और उसने अल्लाह के आलम ने इस महीने में अपनी रहमतों को आम किया रोज़ा इस महीने का वाजिब किया रोज़ा अगर कोई जानबूझकर छोड़ता है तो उस पर कफ़ारा मुखय्यरा वाजिब हो जाता है यानी 60 मसाकीन को खाना खिलाना या 60 रोज़े रखना या एक गुलाम आज़ाद करना पड़ेगा लेकिन इस्लाम जालिम भी नहीं है शरीयत ने जबर भी नहीं किया है वो अफराद के जो बीमार हैं और मुसाफिर हैं और बीमारी की वजह से वो रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो अब ज़िंदगी में जब भी उनको सेहत मिलेगी उसी वक्त वो अपने तमाम रोज़ों की कज़ा अदा करेंगे यानी वो कज़ा करेंगे लेकिन ऐसे अफराद पर शरीयत ने एक मुंतहा फ़िदिया मुअय्यन किया है यानी 1 किलो आटे के करीब 1 किलो आटा या उसका पैसा वो निकाले और वो निकाल
निकाली हुई रकम जो फिदिया है रोजे का बीमारों का, और तो ये रकम चाहे तो वो सादात या गैर सादात किसी को भी दे सकता है। और इस महीने में इंसान मोमिन पूरे महीने रोजा रखता रहा। इमाम जाफर सादिक शेख सुजूक रहमान ने इमाम जाफर सादिक से इस रिवायत को नकल किया है कि इमाम फरमाते हैं कि इस महीने में अगर आप चाहते हैं तकमील रोजा यानी आपके रोजों को कबूलियत का दर्जा अदा हो, आपकी ये इबादत कबूल की जाए, रोजे कबूल किए जाए, तो आप ज़कात फितरा अदा करें। अगर कोई इंसान जान बूझ कर ज़कात फितरा अदा नहीं करता है तो इमाम फरमाते हैं कि उसके रोजे कबूलियत के दराजे तक नहीं पहुँचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके रोजे कबूलियत के मदारिस तक पहुँचे तो आप ज़कात फितरा अदा करें। ज़कात फितरा कब कितना किसको देना है कहाँ देना है ये सब मसाइल शरिया खुद शरीयत ने बयान किए हैं। यानी आप अहकाम ज़कात फितरा जानिए क्या कितना मिकदार में फितरा निकालना वाजिब होता है और ये फितरा कब निकाला जाता है। सबसे पहले कितना फितरा निकाला जाता है और कितने अफराद का निकाला जाता है। नंबर एक, जब आप फितरा निकालें तो फितरा निकालते हुए यानी शबे ईद गुरूब आफ्ताब के बाद आप अपना और अपने अहले आयाल का या जिनका आप नफका बर्दाश्त करते हैं उसका, ये जो आपके यहाँ शबे ईद मेहमान शुमार हो यानी मेहमान इस मायना में शुमार हो कि उसने आपके यहाँ तमाम खाना खाने वाला शुमार किया जाए, मेहमान हो खाना खाने वाला शुमार हो। अब चाहे उसमें काफिर हो मोमिन हो गैर मोमिन हो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, इन सब का अगर आपके यहाँ खाना खाने वाला कभी ईद में शुमार होता है गुरूब आफ्ताब के बाद, तो इन तमाम अफराद का फितरा साहिब खाना पर वाजिब हो जाता है। यानी वो इन ऐसे तमाम अफराद का फितरा निकाले। और जब आप फितरा निकालें तो आप सबसे पहले कस्दे कुर्बत करें यानी नियत करना भी लाजिम है। बगैर नियत आप फितरा निकाल रहे हैं तो ऐसी बात है, जब आपने नियत नहीं की है आपने इरादा ही नहीं किया है फितरा निकालने का तो फिर आपकी वो जिन्स या वो रकम फितरे में कैसे शुमार की जा सकती है। तो सबसे पहले अगर मसलन आपके घर में चार नफर हैं, चार लोग हैं, चार शख्स हैं, चार लोग हैं, तो आप उन चारों का फितरा निकालिए और निकालने से पहले नियत करिए मैं ये चार फितरे निकालता हूँ वाजिब कुर्बतन इलल्लाह, यानी फितरा वाजिब है उस शख्स पर कि जो फकीर नहीं है, जो मिस्कीन नहीं है, जो गरीब नहीं है। गरीब और फकीर किस मायने में है, यानी अगर वो अपना और अपने अहले आयाल का साल भर का खर्च चलाने का कोई जरिया आमदनी रखता है और वो जरिए से अपना और अपने अहले आयाल का खर्च चला लेता है तो शरीयत ने ऐसे शख्स पर फितरे को लाजिम करार दिया है। यानी उसे चाहिए कि वो फितरा निकाले, उस पर फितरा निकालना वाजिब हो जाता है। जब उसको फितरा निकालना वाजिब है और चार अफराद हैं, चार नफर हैं, तो नियत करें मैं ये चार फितरे निकालता हूँ वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। और अगर उसमें चार फितरा निकालने की सलाहियत ना हो, सकत ना हो, उसमें इतनी ताकत ना हो, यानी ताकत से मुराद क्या है, उसके पास में इतना जरिया आमदनी ना हो, उसके पास इतने रकम या इतने जिंस ना हो कि वो चार फितरे निकाल सकता हो, तो अब जितने निकाल सकता है उतने ही निकाले। अगर एक फितरा निकाल सकता है तो एक निकाले, दो निकाल सकता है तो दो निकाले, तीन निकाल सकता है तो तीन फितरे निकाले। यानी जितने उसमें सलाहियत है उतने फितरे निकालना उस पर ये वाजिब हो जाता है। और अब तीन फितरा कब कहां इस वक्त किसको दिया जाए, तो बेहतर ये है कि आप शबे ईद ही में ज़कातुल फितरा मुस्तहक तक पहुंचा दें। यानी तलाश करें
और पहले ही मालूम होना चाहिए कि मुस्तहक कौन है, ताकि आपने कह दिए उसको शब ईद ही में उन मुस्तहक तक पहुंचा दीजिए। और जब आप मुस्तहक को फितरा पहुंचा रहे हो तो आप वो फितरा मुस्तहक को देते हुए उसकी मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में आपकी जानिब से कोई ऐसा अमल ना हो कि अगर वो सुनता है या देखता है तो वो निदामत का शिकार हो जाता है, यानी उसे शर्मिंदगी होने लगती है। जब आप इतरा दें तो ये ना हो कि पता चला कि 5-7 लोग 10 लोग खड़े हुए हैं और आप उसके सामने, यानी इस नियत से दे रहे हैं कि ताकि लोग देखे कि मैं इसको कितना दे रहा हूं, यानी उसमें रियाकारी का अमल शामिल हो जाता है। तो उसमें रियाकारी नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। आप खामोशी से, यानी जब आप किसी की मदद करें या ज़कात फितरा दें या मदद भी करें तो आप दाहिने हाथ से दे रहे हो तो बाएं हाथ को खबर नहीं होना चाहिए। यानी कितनी एहतियात बताई है इस्लाम ने और मासूमीन ने ताकि सामने वाले को शर्मिंदगी का एहसास ना हो, वो नादिम ना हो जाए, वो पशिमान ना हो जाए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और फितरिए के शब ईद ही में आप मुस्तहक तलाश कीजिए और उस मुस्तहक तक आप खुद पहुंचा कर आइए। ये नहीं कि आप उसको फोन कर रहे हैं, वो अलग मसला है कि आप जा नहीं सकते, वो आपके पास में इस तरह का इंतजाम नहीं, इंतजाम नहीं है, या आपने किसी और को दे दिया कि भाई सर आप पहुंचा देना, वो तमाम बातें ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कि आप शब ईद ही में वो फितरा ज़कात फितरा मुस्तहक तक पहुंचाने की कोशिश करिए। या अगर उसके बाद आपको कोई मुस्तहक आपके करीब में कोई नहीं मिल रहा है, आपके रिश्तेदारों में, खानदान में, मोहल्ले में, कबीले में और आसपास शहर में, तो तब आप ज़कात फितरा के लिए अपने शहर से बाहर मुस्तहक तलाश करेंगे। पहले आप अपने घर में तलाश कीजिए, यानी खानदान में तलाश कीजिए, अपने रिश्तेदारों में तलाश कीजिए, अपने मोहल्ले में तलाश कीजिए और अपने गांव में, अपने बस्ती में, अपने शहर में तलाश कीजिए। जब इन जगहों पर मुस्तहक न मिले आपको तब आप ज़कात फितरा बाहर पहुंचाने के लिए फिर आप मुस्तहक तलाश करिए। तो ज़कात फितरा ये कहाँ पर खर्च होगा? ये जब आप ज़कात फितरा जब आप निकाल देते हैं तो जब तक आपने नहीं निकाला था तो उस जिंस के और उस पैसे के आप खुद मालिक थे, लेकिन जब आपने निकाल दिया है, नियत कर ली है आपने पैसा या जिस निकाल दी है, तो अब आप उसके मालिक नहीं रह गए। अब आप उस माल के या उस जिंस के या उस आटे के अब आप अमीन हो गए हैं, अब वो आपके पास में किसी दूसरे की अमानत रखी हुई है, तो अब अमानत में खयानत करने का आपको हक नहीं रह जाता है। यानी अब आप उसके अमीन हैं और जल्दी से जल्दी आप मुस्तहक तलाश कीजिए और उस मुस्तहक तक वो ज़कात फितरा का जिंस या वो पैसा या वो रकम उस मुस्तहक तक पहुंचा दीजिए। ज़कात फितरा इसका मसला कोई ये सोचने लगे कि मैं तो इमाम बाड़ा बन रहा है उसमें दे देता हूँ, कोई ये सोचने लगे कि ये मस्जिद बन रही है मैं उसमें दे देता हूँ, या कोई मदरसा तामीर काम हो रहा है मैं उसमें दे देता हूँ, नहीं, आप मस्जिद में या इमाम बारगाह में इसका मसरफ नहीं कर सकते। यानी उसका पैसा वो जिंस बेचने के बाद इसकी ये रकम आप किसी इमाम बारगाह में तामीरी काम में या मस्जिद के तामीरी काम में आप नहीं लगा सकते हो। आप मुस्तहक को तलाश कीजिए, उसको गरीब को पहुंचाइए, वो उसका हक है, या अगर नहीं मिलता है तो आप जो मदद सही इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मदरसे में दे सकते हैं। और फितरा कितने मिकदार पर निकाला जाए, कितने किलो पर फितरा निकाला जाए, फितरा को वजन जाइए देख लीजिए, जगह है तो ठीक, वरना तो आपने नियत हो गई जुमे 3 किलो, यानी 3 किलो के मिकदार पर आपको फितरा निकालना वाजिब है। अगर आपके घर में ज्यादा आटा इस्तेमाल होता है जो उमूमी जजा है आपकी, उस जजा पर आप फितरा निकालिएगा, यानी 3 किलो आटा आप एक फितरे पर निकालेंगे। 3 किलो अगर आप आटा निकाल रहे हैं तो आटा निकालिए, अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो कितना पैसा आप निकालेंगे। तो अब आप ये देख लीजिए कि मार्केट में 3 किलो आटा कितने पैसों का मिल जाता है, या आप देख लीजिए तकरीबन मैं समझता हूँ जो आम आटा है मरवीर का वो सुनत 34 रुपए किलो शायद आ रहा है, तो आप 34 रुपए के हिसाब से यानी 102 और शीटा मजे से 100 रुपए का आराम हुआ है। अगर आप 100 रुपया भी निकालते हैं तो उस पर भी किफायत होगा, यानी आपका फितरा अदम हो जाएगा।
सरकारी रेट पर कितने करा रहे हैं, यानी हम तो राशन का गेहूं लाते हैं और आम तौर पर बहुत सस्ता पड़ता है तो फिर हम क्या उसी के हिसाब से निकाले? नहीं, शरीफ ने सरकारी रेट को नहीं बल्कि जो बाजार का रेट है आप जितना बाजार से आप खरीद सकते हैं वो, यानी ये नहीं है कि मैं सरकारी रेट के हिसाब से 15 रुपया या 30-40 रुपया निकालूंगा, नहीं उस पे वो ज़कात इतना बढ़ा कर नहीं होगा। अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो पैसा निकाल लीजिए, अगर आप जिंस निकालना चाहते हैं, आटा निकालना चाहते हैं तो फिर आप आटा निकाल दीजिए, और अगर आप चावल का पैसा निकाल लें तो पैसा निकाल दीजिए, या फिर अगर आप चावल का कितना निकाल लें तो आप 3 किलो हिसाब से चावल निकाल दीजिए, एक फितरे का एक है 3 किलो, तो 3 किलो के हिसाब से आप निकालिएगा। और अगर आपके घर में 6 महीना चावल इस्तेमाल होता है और 6 महीना आपके घर में क्या आटा इस्तेमाल होता है, तो अगर आपके घर में 4 नफर है तो आप 2 फितरे चावल पर निकाल दीजिए और 2 फितरे आप आटों पर निकाल दीजिए। अब ये फितरा किसको दिया जाएगा? सादात का फितरा सादात को दिया जाएगा को भी दिया जा सकता है, लेकिन गैरे सादात का फितरा सिर्फ गैरे सादात को दिया जाएगा। सादात का लेना भी हराम होता है, गैरे सादात का फितरा और देना भी हराम होता है, यानी उसका इस्तेमाल सादात के लिए शरीयत ने हराम करार दिया है। तो आप सादात का फितरा सादात और गैरे सादात दोनों को दिया जा सकता है। इसमें एक मसला और भी है, अगर कोई सैयद का फितरा निकालने वाला अगर कोई गैरे सैयद है तो ये फितरा भी गैरे सैयद को ही दिया जाएगा, क्योंकि निकालने वाला उसका गैरे सैयद है। और एक सवाल ये होता है कि आया हम इमाम ज़माना का फितरा निकालें या ना निकालें, तो इसके लिए हुक्म ये है कि आप उसका फितरा निकालेंगे जिसका खर्च आप बर्दाश्त करते हो। तो हमारी क्या औकात, हमारी क्या वजह है कि इमाम कायनात का खर्च बर्दाश्त करते हो? नहीं, बल्कि इमाम कायनात खुद हमें अता करता है, तो हम इमाम कायनात का फितरा नहीं निकालेंगे बल्कि हम अकीदतन मुहब्बतन इमाम की जानिब से इमाम के सदका निकालेंगे, यानी आप सदका निकालिए इमाम का। सदके की नियत के लिए इतने आप 3 किलो रुपया या 3 किलो जिस निकाल लेंगे तो इमाम की जानिब से भी आप वो पैसा या उस जिस का आप नियत करिए और फिर इमाम की जानिब से आप वो सदका निकाल दीजिए। तो ये 3 किलो के मिकदार है, 3 किलो के मिकदार के जिस पर फितरा निकालना ये वाजिब होता है। तो फितरा जब आप निकाल रहे हो, जब आप फितरा निकाल रहे हो तो आपको ये भी देखना है कि वो रकम आपकी हलाल होना चाहिए। अगर आप हराम की कमाई पर, हराम जिंस पर अगर आप फितरा निकालते हैं तो वो फितरा निकालने की फिर आपको इजाजत नहीं है। जितना आपके पास में रकम हलाल है या हलाल जिंस आपके पास में, आप उस पर फितरा निकालिए, यानी अल्लाह अहले बैत इस्लाम नहीं चाहता है कि आप किसी दूसरे को हराम खिलाएं। अल्लाह जो इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप किसी दूसरे को हराम चीज खिलाएं। तो जब आप फितरा निकालें तो आप हलाल जिंस और रकम हलाल पर आपको फितरा निकालना है, इसके अलावा इसके बरक्स अगर वो रकम है तो उस पर भी फितरा निकालना उस पर जो जायज नहीं होता है। तो फितरा जब आप निकाल रहे हैं तो फितरा आपके लिए मुस्तहब है, बेहतर यही है कि आप उसी शब पे पहुंचा दीजिए। लेकिन अगर कोई बशर के जिस पर फितरा शब ईद उसके पास रकम नहीं थी, जिंस नहीं थी, उस पर वाजिब नहीं था, वो शब ईद तक फकीर था, लेकिन अगर वो नमाज ईद तक या ईद वाले दिन नमाज जोहर तक उस पर कहीं से रकम आ जाती है या जिंस आ जाती है और उसके वो फकीर नहीं रहता है तो उसके ऊपर वाजिब है कि फिर वो उसी दिन कस्बे गुरबत से फितरा निकाले। ये फितरा वाजिबात में से है, इसको तर्क नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि रोजे कबूल किए जाए